महिला बाल विकास खनियादाना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र गोलाकोट का हाल बेहाल है। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मनमानी देखने को मिलती है। यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र को अपने समय और अपने मनमर्जी से ही खुलती है। आंगनवाड़ी केंद्र महीने में कहीं एक बार खुल जाए तो ठीक है, अन्यथा ऐसे ही ताला लटका रहता है। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार महिला बाल विकास के अधिकारियों से शिकायत की, पर कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिली। जब ये मामला हमारी टीम के संज्ञान में आया तो हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर आंगनवाड़ी केंद्र गोलाकोट का हाल जाना तो वास्तव में आंगनवाड़ी केंद्र पर एक माह से ताला लटका हुआ था और वहां के ग्रामीणों से चर्चा की तो ग्रामीणों और महिलाओं का कहना था कि हमारे यहाँ का आंगनवाड़ी केंद्र तो महीने में कभी एक बार खुल जाए तो खुल जाए, नहीं तो सब भगवान भरोसे है। आंगनवाड़ी के चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। नहीं खुला, डेढ़ महीना में कदम खुल दे मंगलवार के दिन नहीं खुला, खुलते नहीं है ना, खाना बांटे नहीं बांटता, गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, ये किसका समूह है, कौन है इसमें? सुरेंद्र सिंह का है। और इसमें सहायक का कौन है? दो तीन बार कब? महीने में दो तीन बार ही खुलता है और नहीं खुलता? हाँ। पर जब खुलता नहीं है तो बच्चे वगैरह आते हैं इधर? कुछ नहीं आता। महीना खान में एक आदर खुला तो नहीं खुला, तो बड़े आदमी हैं भी। अच्छा, नहीं खुलता। कोई खाना वाना मिलता है क्या? खाना वाना कुछ नहीं मिला। जब खुलता नहीं है तो क्या खाना मिलता है? कहाँ मिले ना, कश कभी बांट है तो महीना खाने वाला चका मचका बना के बांटते हैं चावलन को। तो ऐसा ये कब से चल रहा है, कब से नहीं? बहुत दिन से, जब से भी हैंगी। अच्छा, हाँ। कौन है इस पे सहायका? कौन है सहायका? गिरजा भाई। महीने में दो तीन बार खुलता है गिला, महीने में दो तीन बार। उन्हीं के पास समूह है, ना किसी बच्चे को खाना मिलता है, उन्हीं के पास ना कुछ, ना ना दरिया बांटता है, कुछ नहीं। गर्भवती महिला से पूछ लो, कोई पोषण आहार वगैरह कुछ नहीं मिलता है, सब बिक्री हो जाता है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। महीने में दो तीन बार खुलती है बस, अकेली बस, मंगलवार को कभी कभी खुल जाती है। फिर हमारी टीम ने खनियादाना महिला बाल विकास के अधिकारियों से चर्चा की तो महिला बाल विकास के अधिकारी का कहना था कि हम वे हमारी पर्यवेक्षक कई बार कार्यकर्ता को नोटिस दे चुके हैं और मानदेय भी काट चुके हैं, पर कार्यकर्ता पर कोई असर नहीं होता। पर अब मैं खुद जाकर फिर से आंगनबाड़ी केंद्र को ट्रैक करता हूं और अगर बंद पाया जाता है मैं इसकी जांच करवाता हूं, पर्यवेक्षक के माध्यम से जांच करवाता हूं कि एक महीने से तो ये घोर लापरवाही है। अगर ऐसा अगर होता है तो ऐसी स्थिति में उस पर मैं जरूर कार्रवाई करूंगा। और पूर्व में मैंने पर्यवेक्षक द्वारा मतलब मैंने निर्देश भी दिए थे सभी पर्यवेक्षकों को, अगर ऐसे केंद्र हैं तो उनका निरंतर मानदेय काटा जाए। अगर मानदेय काटने के उपरांत भी अगर उनमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में पद से पृथक के कार्रवाई की जाए।